नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तक कल्पना के विषय में बताऊंगा। देखिए, तक कल्पना को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए, अभी तक मैंने आपको जितनी कल्पनाएं बताई वो पथ्य कल्पना के अंतर्गत आता है। पथ्य कल्पना, पथ्य क्या है, पथ्य कल्पना की निरुक्ति क्या है, ये आप इससे अनजान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस कल्पना के अंदर, क्योंकि अब इस अध्याय का सबसे आखिरी पार्ट है, मैं आपको पथ्य के विषय में पूरी चीज़ समझाना चाहता हूँ। तो आप सुनिए, निरुक्ति से क्या है। देखिए, तारनाथ तक वाचस्पति भट्टाचार्य जी ने एक निरुक्ति दी है, पथ्य पथे मार्गे हिते चिकित्साधो हितकारक भोज द्रव्य भेदे। उन्होंने कहा जो पथ पे ले जाए वह पथ कहलाता है, जो पथ मार्ग पे ले जाए। तो एक निरुक्ति के रूप में इसको आप समझिए, जो पथ पे ले जाए यानी अपने जो भी अपन खाते हैं, जैसे अपन पथ्य कोई भी अगर जो अपने शरीर के लिए उपयोगी हो, वो जो अपने शरीर के लिए हार्मफुल ना हो, जो भोजन ना हो लेकिन अपने शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो, वो चीज़ पथ्य है। हो सकता है कि उस रस में अच्छी नहीं लगे लेकिन शरीर के लिए पथ्य है, जैसे कि चावल का उदन पथ्य है, हरित की पथ्य है, ये हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं पहुँचाती, हमेशा हमेशा औषधि के रूप में ही काम करती है। क्योंकि आयुर्वेद का नियम है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और रोगी के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं, सारे स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये आयुर्वेद का नियम है। तो यहाँ पथ्य सबसे इम्पोर्टेंट बात पथ के लिए आती है। देखिए, चरक में पथ्य के लिए कहा गया जो डेफिनेशन दी, पथ्यम पथो अनाथ यच्चा लोक्त मानस प्रियम यच्चा प्रियम अपथ्यम च नियत तन्मन में लक्ष्यते। चरक ने कहा 25 के अंदर कि द आहार विहार विच द बेनिफिशियल एंड द न्यूट्रिशनल टू बॉडी ऑल्सो गिव द हैप्पीनेस टू द माइंड इज नोन एज पथ एंड अपोजिट दैट इज नोन एज द अपथ्य। ये चरक ने एक परिभाषा दी, उस बात में मैंने आपको पहले बताया, वो बात पुष्टि होती है। तो ये पथ्य है, तो अपने शरीर जरूरी नहीं है कि रस में हमको जो चीज़ अच्छी ना लगे वो पथ्य ना हो, पथ्य रहता है। हमारे लिए अपथ्य क्या है, मैदा अपथ्य है, मैदा शरीर में चिपकता है, हानिकारक विष प्रभाव डालता है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं जाके वो दोष के रूप में व्यक्त होता है। अपनी अग्नि को जो साथ में रहे, अग्नि जिससे अपनी फलीभूत रहे, वह अपने लिए पथ है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि जल एक दीपक है, जिसमें अपन ने दिया लगाया, उसमें घी डाला और फिर अपन ने दिया जलाया, तो दिया का जो आकार होगा बहुत सुंदर होगा, क्योंकि घी उसके लिए पथ है। अगर आप उस घी की जगह कोई ईंधन डालें तो क्या होगा, अग्नि बहुत तरह से भड़केगी, वो अपथ्य है उस अग्नि के लिए, उस दीपक के लिए। तो वही बॉडी के साथ भी है, हमने कोई पथ्य चीज़ ली जिससे हमारी अग्नि, एक अग्नि का जो आकार है बहुत सही रूप में बना, जिससे बॉडी के पूरे पूरे जगह फैल गई और अपन को उससे फायदा हुआ। अग्नि जिससे हमारी अपनी अग्नि है ना, जो भोजन को अच्छी तरह से जलाती है, फिर उसके बाद पूरी बॉडी में अपन को ऊर्जा प्रदान करती है। और अपथ्य अग्नि क्या करेगी, बॉडी में विषाक्तता प्रदान करेगी, जिससे क्या होगा अपनी बॉडी पे जितने भी रोग होते हैं उत्पन्न होंगे। तो यही पथ्य और अपथ्य का सबसे बड़ा नियम है जो आपको याद रखना चाहिए। दूसरा, पथ्य के लिए जो पथ्य के जो मीनिंग अपन निकालते हैं, जो कई जगह अपन को पथ्य के मीनिंग क्या है, पथ्य का क्या समझते हैं भाई, अपन जब पथ्य के लिए मानते हैं जो बिलोंगिंग टू वे सूटेबल फिट प्रॉपर होलसम, एक पथ्य का एक जनरल मीनिंग है जो पथ्य की तुलना कर सकते हैं कि इससे पथ्य, इसको अपन पथ्य कहते हैं, जो बॉडी के लिए सूटेबल हो, फिट हो, प्रॉपर हो, होलसम पूरी बॉडी के लिए, तो ये पथ्य का एक मीनिंग है। देखिए, अब मैं आपको चक्र कल्पना के विषय में बताता हूँ। चक्र कल्पना व्यवहार में अपन आज की डेट में तक को क्या कहते हैं, इंग्लिश में अपन बटर मिल्क कहते हैं, हिंदी में अपन उसको मठा कहते हैं, दोनों हिंदी और इंग्लिश शब्द हैं इसके। और हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने कहा यथा स्वर्णाम अर्पतम प्रधानम तथा नरणाम भुवि तक्रमाहु, यानी आयुर्वेद शास्त्र में तक्र को अमृत के समान बताया गया है। मतलब अमृत से तुलना की जाए तो तक्र अमृत है। तक्र से हम कई चिकित्साएं करते हैं, तक्र से हम कई अनुपान देते हैं, तो तक्र बहुत विशेष एक चिकित्सा है, क्योंकि तक्र की एक बहुत एक विशेष महत्व है चिकित्सा शास्त्र के अंदर, क्योंकि तक्र का उपयोग हम हर जगह करते हैं, चाहे वो पंचकर्म में करें, चाहे हम मेडिसिन में यूज़ करें, चाहे हम किसी काढ़े को बनाने में करें, कई जगह तक्र का बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल उपयोग होता है। यहाँ तक कि घी और तेल को पकाने में भी हम कई बार तक्र का उपयोग करते हैं। तो ये सब तक्र की एक
मैंने आपको एक जनरल परिभाषा बताई। अब मैं आपको चक्र के विषय में और आगे बढ़िए। यो तो चक्र के विषय में कई आचार्यों ने अलग अलग विवेचनाएँ दी। यहाँ पे मुख्य रूप से हम चरक, सुश्रुत और भाव मिश्रित आपको रेफरेंस बताएंगे। देखिए, चरक ने कहा, चरक ने तीन प्रकार के चक्र बताए, रूक्ष, अर्ध उद्धत और अनुद्धत स्नेह। ये तीन प्रकार के आचार्य चरक ने बताए। उन्होंने कहा सबसे पहले रूक्ष, रूक्ष का अर्थ होता है पूरा स्नेह, यानी पूरा मक्खन निकाले हुआ चक्र को हम कहते हैं रूक्ष। स्वाभाविक है कि इसमें हमने पूरी तरह से मलाई को निकाल लिया, पूरी मलाई को निकाल लिया हो, पूरा मक्खन को निकाल लिया हो, उसे हम रूक्ष कहते हैं। दूसरा होता है अर्ध उद्धत स्नेह, यानी आधा स्नेह निकाला हुआ, यानी जिस चक्र में आधा स्नेह निकाल लिया जाए तो उसको और बाकी स्नेह छोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, अर्ध उद्धत स्नेह, यानी आधा स्नेह निकाला हुआ, इस तरह से चक्र बना सकते हैं। तीसरा होता है अनुद्धत स्नेह, यानी पूर्ण रूप से स्नेह नहीं निकाला गया, यानी घृत को हमने बिल्कुल भी नहीं निकाला, उसमें से जिसमें से स्नेह को मथा, मथने के बाद पूर्ण स्नेह युक्त चक्र, उसको कहते हैं अपन अनुद्धत स्नेह, यानी पूर्ण स्नेह युक्त। तो ये इसके लिए आचार्यों ने श्लोक दिया, रूक्ष मा अर्धोत स्नेह यथा शाद घृत घतम तक दोषवाग्नि बलवती त्रिविधम तथा प्रयोजनात्। तो ये चरक ने श्लोक दिया, उसके गुण बता दिए कि किस प्रकार के तीन प्रकार के उदय। इसके बाद मैं आपको भाव प्रकाश का श्लोक बता दूँ। ये भाव मिश्रण ने पांच प्रकार के हमको चक्र बताए जो पानी की मात्रा पर डिपेंड करते हैं। पानी की मात्रा यानी तर और तम की मात्रा पर डिपेंड करते हैं, कितना अपन पानी मिलाएंगे, कितना अपन मलाई रखेंगे, कितना घोल रखेंगे, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके अनुसार से गुण भी अलग अलग हो जाते हैं, थोड़े थोड़े अंतर रहेंगे। तो पहला उन्होंने बताया घोल, दूसरा मथे, तीसरा तक्र, चौथा उद विशित और पांचवा है छक्षिका यानी छाछ। तो ये पांच प्रकार के उन्होंने अर्थ बताया। उसके लिए श्लोक दिया, घोलम तु मधुतम तक्र मधुता छिक्षिका आपी चार। तो ये उन्होंने एक श्लोक दिया जो भाव प्रकाश में, क्योंकि घोल का अर्थ होता है, घोल को अपन हिंदी में कहते हैं छाली छाठी, ये एक हिंदी वाला वर्ड है, मतलब छाली छाठी मतलब मलाई जो होती है उसको अपन कहते हैं। तो घोल यानी मलाई के साथ बिना पानी मिलाए, जब दही को मथते हैं बिना पानी मिलाए, देखिए बिना पानी मिलाए मथते हैं तो उसको घोल कहा जाता है। आचार्यों ने इसके लिए श्लोक भी दिया कि सजरम निजलम घोलम। तो ये भाव प्रकाश ने श्लोक दिया और सुश्रुत ने कहा यत्तु स्नेह जलम मथितम घोल मुच्यते। तो ये सुश्रुत ने कहा, स्वाभाविक सीधा मलाई बिना जल रहित अपन थे तब जाकर के वो घोल कहलाता है। तो इसके बाद घोल के जो गुण बताए, वो बताए घोलम तू शकरा युक्तम गुणे शैव रसा लवणम पित्त हरम ह्रादि, यानी जो शकरा युक्त शकरा मिलाकर घोल का प्रयोग रसाल यानी श्रीखंड के जैसा हो जाता है, समान गुण वाला वात पित्त नाशक और आह्लाद उत्पादक होता है। तो ये सबसे बड़ा इसका गुण है। उसके बाद दूसरा प्रकार मथित कहलाता है। मथित में क्या होता है कि अपने सीधा दही लिया, अपने दही को जल बिल्कुल नहीं मिलाया हो, मथा मथने के बाद मलाई पूरी तरह से हटा ली हो, तो उसे कहते हैं, इसके लिए आचार्य ने श्लोक दिया मथम तक सरो उत्कम, यानी उदक ना मिलाया हो और त्वक यानी मलाई को हटा लिया हो। मथित में क्या होगा, मलाई को अपने हटा लिया, स्वर को रूक्ष हो गया तो कफ और पित्त का नाश करेगा, यानी कफ पर कोई रूक्षता बढ़ गई इसके अंदर, क्योंकि मथ के अपन ने इसको मलाई को निकाल लिया तो रूक्षता बढ़ी तो कफ और पित्त का नाश होता है। अब जितने भी गुण आएंगे उनके तर और तमतम के आधार पर ही होंगे, उसी के आधार पर उसके गुण भी चेंज हो जाएंगे। तीसरा भाग आता है तक्र। तक्र में कुछ नहीं, हम भावमिश्र ने कहा कि दही में चतुर्थांश जल मिला करके मथ लेने पर तक्र कहा जाता है। और उसके बाद सुश्रुत ने कहा हम अर्धांश यानी आधा भाग, जितना दही हो उसका आधा भाग अगर पानी मिलाएं, जल मिलाएं, तब उसको मथने पर तक्र कहा जाता है। यहाँ सुश्रुत ने और दोनों ने सही परिभाषा दी है, सुश्रुत ने भी दिए और इनने भी दिए, दोनों को मिलाकर के उन्होंने तक्र की परिभाषा दी। सुश्रुत ने कह दिया मतनानी पृथक वस्नेह ऊर्धकम चयत नाति सांद्रम द्रव्यम तक्र स्वामन त्वर। भाव मिश्र ने कह दिया तक्रम पात जलम प्रोक्तम, ये भाव मिश्र ने कहा। और सुश्रुत ने जो श्लोक बताया उसके अनुसार यह आधा अपन ने जब उसमें जल मिला दिया उसके बाद उसमें मक्खन को पृथक कर लें, तो सुश्रुत ने कहा ना अधिक गाढ़ा हो ना अधिक पतला हो, मधुर अम्ल कषाय रूप से युक्त हो। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक श्लोक के द्वारा उन्होंने ये बताया कि किसके क्या गुण होंगे, उस गुण के अनुसार उन्होंने परिभाषाएँ दी। उन्होंने कहा कि तक्र मधुर अम्ल रस युक्त कषाय अनुरस
वाला होना चाहिए, उष्णवीर होना चाहिए। देखिए उष्णवीर कहा तो उष्णवीर के लिए यानी पित्त का, पित्त को बढ़ा रहा है, उष्णवीर है यानी पित्त बढ़ेगा इसमें। लघु होना चाहिए यानी लघु है तो वातुकुंभ भरा लघु है, रुक्ष है, रुक्ष भी है, अग्नि है, प्रदीप्त करने वाला, अग्नि को प्रदीप्त करने वाला है, पित्त को बढ़ा रहा है। ठीक है, हृदय के लिए हितकारी है, अशुक्रल है, मधुरपाकी है यानी कफ को बढ़ा रहा है। गर शोफ अतिसार गृहिणी पांडु अर्श पिल्हा विकार गुल्म अरुचि विषम ज्वर तृष्णा वमन अति लालस्राव शूल मेदोरोग कफ बात नाशक होता है, कफ और बात का नाशक कर रहा है। यहाँ पानी के आधार पे ये दोनों मैंने बात की, कफ बात नाशक, यहाँ पित्त बढ़ रहा है लेकिन कफ और बात का शमन कर रहा है। और स्नेह के अति योग जन्य रोगों को ले लाभप्रद होता है। कई बार स्नेह के योग अति योग आप अभी पंचकम चिकित्सा में जब पढ़ेंगे कि क्या क्या स्नेह ज़्यादा पी लेने से क्या क्या उसके कॉन्ट्रैक्टेशंस होते हैं, उस आधार पर वहाँ तक का उपयोग किया जाता है। और मूत्र कच्छ नाशक होता है। और कफ और वात जन्यों के लिए ये अमृत के समान है, इससे बड़ा कोई औषधि नहीं है। जब भी कफ रोग होगा या वात रोग होगा उसमें सबसे ज़्यादा तक का उपयोग किया जाता है। कफज अर्श और वाताजर्श में भी सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अर्श की चिकित्सा में सबसे ज़्यादा तक्र का उपयोग किया जाता है। और तक्रारिष्ट नाम का एक अरिष्ट आता है जिससे हम उपयोग तक इसमें अर्श चिकित्सा में करते हैं। और इसके लिए गुण में के लिए श्लोक भी डॉक्टर ने आचार्यों ने कहा कि तक्रम तु मधुर अम्लम कषाय अनुरसम उष्णवीर्य लघु रुक्ष अग्निदीपनम गर शोफ न पांडु गृहिणी वोगार्श देखिए अर्श आ रहा है इसमें पिल्हा रोग गुलमो रोगो विषम ज्वर तृष्णा पतिशेकम शूलमेदम श्लेष्म अनिल हरम श्लेष्म को हट रहा है अनिल को हट रहा है यानी वात और कफ नाशक है यानी कफ को बने शेष अनिल हरम अनिल मतलब वात मधुर विपाकम हतम मूत्र कक्षे व्याप्त प्रश्नम अवश्यम च वर्ष कर रहा है मूत्र कक्ष में फायदा कर रहा है। जिसको पेशाब बार बार रुकता है मूत्र कक्ष की बीमारी होती है उसमें ये फायदा करेगा तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद उन्होंने चरक ने भी यही कहा शोफार्शो घृणी दोषो मूत्रो ग्रहो दुरोचो स्नेह व्यापति पांडवे तक्र दधा गरेशु च तो ये आचार्य चरक ने दिया। और फिर उसके बाद बात श्लेष्मनाशु तो प्रादत भेज जाओ सबसे अच्छी चिकित्सा है जो मैंने बताया बात और श्लेष्म की जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बुलाया वो मैंने आपको श्लोक में बताया। तो ये श्लोक के आधार पर इन तक्र का सबसे ज़्यादा बात श्लेष्म पर सबसे ज़्यादा कार्य हो रहा है। अभी यहाँ पित्त की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर कफ की बात चल रही है, बात की बात चल रही है। कोई पित्त को बढ़ा रहा है कुछ कंडीशन में, वहाँ पित्त की बढ़ाने की स्थिति में आप लोग कब देना है ये अपनी युक्ति प्रमाण के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आप उसको किस मात्रा में कितने स्नेह युक्त कितने पानी से आप और कितने उसको खटास कितनी आई उस आधार पर पित्त का और डिसाइड करेंगे कि आप उसको तक किस मात्रा में कब देना है। तो ये चिकित्सक के परामर्श अनुसार चिकित्सक की बुद्धि विवेक के अनुसार डिपेंड करता है। इसके बाद चरक ने फिर कहा सो तो तू तक्र शुद्धेशु रस सम्य गोपयति यह तेन पुष्टि बलम वर्णम पहर्ष चौपयन जायते। चरक चिकित्सा स्थान में इसके बारे में तक्र के बारे में कहा कि तक्र क्या करता है सोतों की शुद्धि करता है पुष्टि करता है। अब सोतो शुद्ध क्या है सोतस में आप अच्छे से देखेंगे कि अपने चैनल्स होते हैं वो सोत कहलाते हैं। इन सोतों की शुद्धि होने पर ही अपन सोतों की शुद्धि होने पर ही अपन को कोई जब शुद्ध हो जाते हैं तो अपन को रोग की बीमारियाँ जो होती हैं नहीं होती हैं वो अग्नि में सम हो जाती है। तो सोतो शुद्धों की बहुत बड़ा चैप्टर है मैं आपको अलग से कभी सोतस के विषय में बताऊंगा। तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है आपका तक्र का। और दूसरा चरक ने यह भी कहा कि ये अर्श अर्श के लिए सबसे अच्छी औषधि श्रेष्ठतम औषधि कहा जाता है। कई जगह मिस्त्री रोगों में भी इसको उपयोग करते हैं। अच्छा उत्सित तक्र उत्सित का क्या है दही में हम आधा भाग ठंडा ठंडा जल डालें और उसको मथ लें इसके अंदर मलाई को अलग पृथक नहीं करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने शुश्रुत में भी शुश्रुत का एक रेफरेंस तक्र में आया था कि आधा जल मिला के आधा दही और आधा जल मिला के आधा जल मिला के अपन उसको मथें लेकिन उसमें मक्खन को निकाल रहे थे इसके अंदर अपने मक्खन को नहीं निकाल रहे हैं मक्खन इसमें रहेगा। और ये इसके जो कॉन्ट्रेंडेशन बताता हूँ आपको इसके लिए श्लोक दिया उन्होंने कहा कि ये कफ प्रकोपक होता है बलदायक होता है आम दोष नाशक होता है। ये आचार्यों ने कहा उन्होंने कहा उपदूषित कफ कृत बल्य माध्यनम परम मतम भाव प्रकाश ने कहा देखिए यहाँ पे कफ को बढ़ा रहा है कफ को बढ़ा रहा है बलदायक होगा कफ को बढ़ वृद्धि हो रही है कफ का प्रकोप कर रहा है तो सीधे ज़्यादा बलदायक होगा यानी बल को बढ़ाएगा। यहाँ पे अपन तुलना कर सकते हैं लस्सी से अपन की लस्सी जो रहती है कफ को बढ़ाती है
और कई बार आम दोष को नाशक करती है, लेकिन कई बार पित्त को जो है पित्त को कम कर देती है, गर्मी का खान दूर कर देती है। तो यहाँ पे अपन तुलना कर सकते हैं उससे कि ये देखिए यहाँ पे कफ का प्रकोप हो रहा है और इस तरह रूक्षता भी कम कर रही है, तो दोनों चीज़ों की यहाँ पे अपन इससे तुलना कर सकते हैं। तो ये एक तक्र का एक पार्ट हो गया, हम व्यवहार में सबसे तक्र का उपयोग करते हैं। इसके पक्षा तो पाँचवा भाव प्रकाश ने बताया छच्छिका, जिसको अपन छाछ कहते हैं। छाछ के लिए कहा गया उन्हें दही को बहुत सा जल डाल के, बहुत सारा जल डालने के बाद अच्छी तरह मथें। मथने के बाद उसका पूरा मक्खन अपन निकाल लें। जब मक्खन निकल जाता है तो उसके बाद जो बचता है वो छाछ कहलाता है। उसको अपन अच्छी तरह से मथें, मथने के बाद जो छाछ बन जाती है, और जो छाछ होती है यह जो छाछ है यह स्वच्छ प्रचुर जल युक्त और सारहीन होती है। उन्होंने श्लोक भी दिया आचार्यों ने, छक्षिका शीतला लघवी पित्त शम हरी वाता नुत कफटत सा तू दीपनी लवणा निवता। देखिए बहुत ध्यान से श्लोक को सुनिए और ध्यान से समझिए। छिक्षिका शीतला लघु, यही लघु होती है। पित्त श्रम तृष्णा हारी, देखिए पित्त को कम कर रही है, पित्त को कम कर रही है क्योंकि यहाँ पे जल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अपन ने मक्खन पूरा निकाल दिया, तो ये पित्त को कम कर रही है, थोड़ा सा कफ को बढ़ा रही है, मामूली सा कफ बढ़ रहा है इसके अंदर, और वात विकारों को शांत कर रही है। देखिए गर्मियों में सबसे ज़्यादा हम छाछ का उपयोग करते हैं। हम आज की डेट में व्यवहार में सांची का जो छाछ यूज़ करते हैं, पूरी तरह मक्खन निकाला युक्त होता है, जल मिला हुआ होता है, वहाँ पर उपयोग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मियों में ये छाछ का उपयोग करते हैं। तो यही इसके गुण हैं, अपन उससे तुलना कर सकते हैं कि सांची या अमूल का जो छाछ आता है, छाछ के रूप में मिलता भी मार्केट में, तो ये छक्चिका ही है। तो ये है, इसमें लवण मिला लेंगे तो और अच्छा और स्वाद दीपन कर देगी आपका, तो दीपनीय लवणा निवंता, अगर दीपन करेगी क्योंकि लवण मिलाने पर दीपन कर देगी। तो श्रम तृष्णा अर्थात पित्त विकार, पित्त को शांत, गर्मी शांत कर देती है, कफ कारक होती है, कफ को बढ़ा देगी, स्वाभाविक गर्मी की शांत हो जाएगी। तो ये चीज़ क्या सबसे बड़ा उपयोग। अच्छा आपको ये जानना आवश्यक है कि तक्र कब देना चाहिए, तक्र कब नहीं देना चाहिए, तक्र के लिए जो प्रयोग के लिए क्या उपयोगी है, तक्र के लिए कब देना चाहिए। दिन का शीतकाल में दे सकते हैं अपन, अग्निमांद में, कफ विकारों में, माघ अवरोध में, विकृत वात में, इनमें अपन तक दे सकते हैं। श्लोक दिया सुश्रुत में, शीतकाले अग्निमांदे चा कफो उत्वेशुका येषु चा मार्ग अवरोधष्टे या वायु तक्र प्रशिष्यते। तो ये एक सुश्रुत ने निषेध बताया इसके बारे में, बात है इसके निषेध तक्र कब नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने कहा छत उच्छत के आप जानते हैं, तो उसमें आप उसमें नहीं देना है। उष्ण काल है, बहुत ज़्यादा उष्ण काल हो, दुर्बलता हो, मूर्छा, भ्रम, दाह, पित्त, रक्त पित्त आदि में तक्र नहीं दे, जब ब्लीडिंग हो रही हो, मूर्छा हो, मिर्गी ऐसी हो, भ्रम हो, उसमें तक्र नहीं देते। नैव तक्रम दक्षते तथो ना उष्ण काले न दुबले ना मूर्छा ब्रह्माशेषु च न रागे रक्त पित्त के। तो ये श्लोक उन्होंने दिया, पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आप, ये जो आचार्य ने बताया कि कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, हम हर काल में दे रहे हैं, हम किस किस काल में दे रहे हैं ये अपने युक्ति प्रमाण पर डिपेंड करता है। ये जो उन्होंने बताया बेसिक तक्र के बारे में बताया कि तक्र कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, लेकिन आप जल की मात्रा पे अगर आप डिपेंड करते हो, जल की मात्रा जैसे मैंने आपको छाछ बताया कि उष्ण काल में देना है, आप ऋतु के अनुसार डिसाइड करो कि आपको कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए। आचार्य कटवर ने छोटी सी व्याख्या दी तक्र के विषय में कि मलाई युक्त दही जो है उसको मथें, मथने के बाद उसमें एक चौथाई ठंड मीठा अपन जल डालें, जल डालने के बाद उसको अपन मथें, मथने के बाद मलाई को पतक ना किया जाए, उसको आचार्य कटवर ने कहा, इसे तो कटवर कह दिया। और अपन ने अभी तक तक्र के बारे में जितनी विषय में बात की वो एक इसका प्रकार एक पर्याय कह सकते हैं, क्योंकि आकार कटवर ने अलग से व्याख्या दी तो उसको इस रेफरेंस में रखा गया। व्यवहार में हम तक्र का उपयोग करते हैं लस्सी बनाने में, या फिर तक का उपयोग करते हैं अपन सीधा मठा बनाने में, दोनों चीज़ें आपके शक्कर की मात्रा, जल, इन सब पे डिपेंड करती है। बाद तक्र में एक दो पॉइंट और आते हैं, दधि कुर्चिका और तक्र कुर्चिका। देखिए दधि कुर्चिका का अर्थ है जैसे कि दूध में दही को मतपात में अग्नि में पकाएं, दूध और दही को पकाएंगे दूध फट जाएगा, फट जाएगा फटरन होगी उसको, उसकी खुरचन को, जो खुरचन फटा दूध रहता है ना जो, उसकी खुरचन को कहते हैं दधि कुर्चिका। और उसके बाद तक्र कुर्चिका कहते हैं जब दूध को तक्र के तक्र डाल के, यानी तक्र डाल करके अपन पकाते हैं तो उसकी जो खुरचन जो खोआ बनेगा उसको अपन तक्र कुर्चिका कहते हैं। तो यहाँ पर दूध दही का उपयोग करना है, चीज़ें लगभग लगभग वैसी बनेंगी। और श्लोक भी दिया वैदिक, इसको वैदिक परिभाषा प्रदीप में कहा है, दग्धा स पक्वम च भवेत दधि सूचिका तक्रेण पक्वम यत क्षीरम सा भवेत कुर्चिका।
दोनों बातें मैंने आपसे कह दी तो अपना समाप्त होता है। इसके पश्चात मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जल्दी हम अपना आयुर्वेद अमृता नाम से एक YouTube चैनल चालू कर रहे हैं, जिसके हम आयुर्वेद के सारे रहस्यों का आपको उजागर करेंगे, आयुर्वेद के हर टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप बहुत जल्द हम इसका ट्रेलर भी लॉन्च करेंगे, आपको उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा वीडियो में कुछ पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।